हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्किटेक्ट अनिता करकोदी और आज हम बात कर रहे हैं फूड स्टोर रूम को किस तरह से वास्तु फ्रेंडली बनाया जाए। इस स्टोर रूम में ज़्यादातर किचन से रिलेटेड सामान और फूड आइटम्स को रखा जाता है। ऐसा एक्स्ट्रा सामान जो कि आप किचन में नहीं रख पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा है तो उन्हें फूड स्टोर रूम में रखा जाता है। ये फूड स्टोर रूम आपका एक रूम भी हो सकता है या फिर कोई अलमारी या फिर स्टोरेज भी हो सकती है। इन एक्स्ट्रा फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए चाहे आपने प्रॉपर एक रूम बनवाया हो या फिर कोई अलमारी है, इन सभी के लिए ही आपको एक फंगस फ्री और डैम्पनेस फ्री एरिया की जरूरत होती है। फूड स्टोर रूम के लिए वास्तु में कई तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्टोर रूम में स्टोर्ड आइटम्स को लंबे समय तक चला सकते हैं और आपका ये सामान जल्दी खराब नहीं होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं डूज और डोंट्स के बारे में, तो देखते रहिए आज की वीडियो। आज की ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो का ही एक्सटेंशन है जिसमें मैंने बताया था आपके जंक स्टोर रूम को किस तरह से वास्तु फ्रेंडली बनाया जाए, तो आप हमारी उस वीडियो को भी जरूर रेफर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे, अदरवाइज आप हमारी वीडियोस को मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वास्तु के अनुसार किचन के लिए साउथ ही डायरेक्शन परफेक्ट मानी जाती है, तो इजी एक्सेस के लिए ध्यान दीजिए कि आप अपने फूड स्टोर को साउथ डायरेक्शन में बनवाइए। इससे आपका स्टोर रूम नमी से बचा रहेगा और बैक्टीरिया और फंगस जल्दी से पनप नहीं पाएंगे, और ये आपके फूड आइटम्स के लिए भी अच्छा है जिन्हें आपने फूड स्टोर रूम में स्टोर किया है। अगर पॉसिबल है तो ग्रीनरी रूम यानी भंडार गृह की हाइट को बाकी रूम्स की हाइट से ज़्यादा बनवाइए। इससे आपका स्टोर रूम एयरी रहेगा और हवादार होने से आपके स्टोर्ड आइटम जल्दी खराब नहीं होंगे। इस रूम के डोर को आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन को छोड़ के बाकी किसी भी दिशा में लगवा सकते हैं, और ध्यान दीजिए कि आप स्टोर रूम के दरवाजे को डबल शटर्ड ही बनवाइए क्योंकि ये साइज में बड़ा रहेगा और सामान को बाहर निकालने और अंदर ले जाने में आसानी रहेगी। इस रूम की विंडोज को आप ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में बनवा सकते हैं। एक विंडो जरूर होनी चाहिए आपके स्टोर रूम में। पहले के टाइम में स्टोर रूम के लिए सिर्फ एक खाली कमरा बनवा लिया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। प्रॉपरली फर्निश्ड रूम बनवाया जाता है और इसमें अच्छी तरह से स्टोरेज और अलमारी वगैरह भी बनवाई जाती है। तो अगर आप अलमारी बनवाना चाहते हैं तो बारी सामानों के लिए ध्यान दीजिए कि आप इन्हें साउथ डायरेक्शन में लगवाइए। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में आप लगवा सकते हैं। ये दोनों डायरेक्शंस हैवी सामान रखने के लिए अच्छी मानी जाती हैं। ऐसा अनाज या दालें जिन्हें आप साल भर के लिए यूज करना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं इस रूम में, उन्हें आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अलमारियों में प्लेस कर सकते हैं, जबकि डेली यूज के सामान को आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जगह दे सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जगह कम होने की वजह से अक्सर एक छोटा सा मंदिर फूड स्टोर रूम में बनवा लिया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टोर रूम आपके किसी भी शुभ काम के लिए नहीं है। आप यहाँ पर मेडिटेशन और प्रेयर को अवॉइड करें। इस रूम को शुद्धता प्रोवाइड करने के लिए आप ईस्ट डायरेक्शन की दीवार पर विष्णु जी की एक फोटो लगा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि आपके स्टोर रूम में जाले बिल्कुल ना लगने पाए, इन्हें टाइम टाइम पर आप हटाते रहें और स्टोर रूम को साफ सुथरा बनाकर रखें। अपने फूड स्टोर रूम यानी भंडार गृह में खाली डिब्बे बिल्कुल ना रखें। इनमें कुछ ना कुछ सामान जरूर रख कर रखें। इनमें आप दालें अनाज वगैरह से भर के रख सकते हैं, लेकिन खाली बिल्कुल ना छोड़ें। ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप सारे डिब्बों को सामान से भर के रखेंगे तो ये आपके घर में प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगा और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेगा। अब वास्तु के अनुसार माना जाता है कि स्टोर रूम में आपको सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, तो कोई बेड वगैरह वहां पर बिल्कुल ना लगवाएं और सोने को अवॉइड करें। इस स्टोर रूम में आप अपना कोई भी कीमती सामान या डॉक्यूमेंट्स ज्वेलरी वगैरह नहीं स्टोर करें, ये अच्छा नहीं माना जाता है।
जंक स्टोर रूम की तरह ही फूड स्टोर रूम में भी पानी की स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप पानी का कनेक्शन भी बिल्कुल ना लगवाएं। पानी को स्टोर करने के लिए किचन ही सबसे अच्छा रहेगा। आप वहाँ पर रेफ्रिजरेटर में पानी रख सकते हैं, लेकिन फूड स्टोर रूम में बिल्कुल ना रखें। आपके घर के बाकी रूम्स की तरह ही ये रूम भी आपके लिए एक एसेट का काम करता है, इसलिए आप इसकी प्लानिंग करते वक्त केयरफुल रहें और अच्छी तरह से इसकी प्लानिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप वास्तु टिप्स को फॉलो करते हैं तो ये स्टोर रूम आपके लिए नेगेटिव एनर्जी को रोकेगा और घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।